प्रेम से कहे श्री राधे, पुनः कहिए श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर सच्चिदानंद स्वरूप सर्वांतर्यामी सर्वव्यापक सर्वहृदयस्थ सर्वदेहस्थ सर्वाधार सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वगुण संपन्न श्री राधा मुखाब्ज मार्तंड मकराकृत कुंडल विभूषित वंशी विभूषित पीताम्बरधारी नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत को कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। परम दयालु रसराज रसराज श्री वृंदावन बांके बिहारी श्री राधा वल्लभ लाल के विशेष अनुग्रह से, उस परम दयालु की परमानुकंपा से हम सभी क्षेत्रवासी ग्रामवासी सद्भागी हुए हैं कि विगत 3 दिनों से हमें श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण लाभ प्राप्त हो रहा है। आज चतुर्थ दिवस की कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। कथा विश्राम से पूर्व कल आपने श्रवण किया देवहूति और कपिल का संवाद, जिसके अंतर्गत पूछा है निर्विण्णा नितराम भूमन नसदेन्द्रिय तर्षणात्। इतनी आयु हो गई हमारी बचपन से लेकर अब तक इन इंद्रियों को छकाते 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 छकाते, लेकिन ये इंद्रियां आज तक तृप्त नहीं हुई, ये और चाहती हैं। तो भगवान ने यही कहा कि घी से यदि कोई अग्नि बुझाना चाहे तो संभव थोड़ा ही है। हम तो विषयों की प्राप्ति कराकर इन इंद्रियों को और पुष्ट कर रहे हैं। तो भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया और फिर कपिल भगवान ने माता देवहूति को अष्टांग योग का वर्णन किया है। तो एक कल निवेदन क्या किया था, अगर आपने कथा ध्यान से सुनी होगी तो सृष्टि का जब प्रारंभ हो रहा है तो मनु महाराज और शत्रुपा से 3 कन्याएं और 2 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। तो उसमें से एक कन्या ये देवहूति का चरित्र आपको श्रवण कराया। अब 2 और बची, कौन? आकुति और प्रसूति। तो आकुति का विवाह परीक्षित राजा रुचि प्रजापति के साथ हुआ और जिससे कि यज्ञ और दक्षिणा का प्रादुर्भाव हुआ है। यज्ञ का एक अंग है दक्षिणा, इसीलिए कहा है यज्ञस्य सफला वाप्तिर संगता दक्षिणार्पणात्। प्रेम से कही श्राधे। और उसके बाद अब तीसरी जो कन्या है प्रसूति। अच्छा, जब ये यज्ञ और दक्षिणा का विवाह हुआ तो इसमें से 12 पुत्र उत्पन्न हुए, वंशावली के रूप में बताया। तोष प्रदोष शांति इड़स्पति ये सब यज्ञ और दक्षिणा की संतानें हैं। इसका अर्थ क्या लगाना चाहिए कि जब हम अपने धन को सदकार्य में उपयोग करते हैं तो वहाँ पर 12 संतानें पैदा होती है। यज्ञ और दक्षिणा पति पत्नी है, तो जहाँ पर अपने धन को लक्ष्मी को यज्ञ में लगाया जाता है तो वहाँ पर 12 चीज़ें पैदा होती है। कौन कौन सी? तोष संतोष प्रतोष। संतोष कहाँ होगा? जहाँ पर धन सद इस जगह जाएगा वहीं पर संतोष होगा। और शांति भी इन्हीं की संतान का नाम है। इससे क्या अर्थ लगता है कि शांति भी वहीं पर होगी जहाँ पर धन यदि सद कार्य में लगेगा। शास्त्र में धनात् सुखम नहीं कहा कि धन से सुख प्राप्ति होती है। शास्त्र का क्रम क्या है? बोले धनाधर्मम ततः सुखम। गुरुकुल में हम पढ़ते थे धनाधर्मम ततः सुखम। धन से धर्म होगा और ततः सुखम धर्म से सुख होगा। धनात् सुखम नहीं कहा। अगर धन से सुख प्राप्त होता ना, देखो थोड़ा सा अंतर भी है, सुख में और शांति में अंतर है। धन से कदाचित आप सुख खरीद सकते हैं, धन से कदाचित आप सुविधाएं खरीद सकते हैं, लेकिन धन से आप शांति नहीं खरीद सकते। और यही भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि भगवान ने शांति को बिकाऊ नहीं बनाया। भगवान ने, हो सकता है व्यवहारिक भाषा में यदि हम कहें, सुख को भले ही बिकाऊ बनाया हो, सुख सुविधाओं को,
सुख आप धन से मार्केट में खरीद सकते हैं, लेकिन आप शांति मार्केट में नहीं खरीद सकते। मेरे प्रभु ने शांति को बिकाऊ नहीं बनाया। यही तो गोविंद की बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि अगर भगवान ने कदाचित भूल कर भी शांति को भी बिकाऊ बना दिया होता, तो फिर जो अमीर लोग हैं ना, ये शांति को कभी गरीबों के हाथ लगने ना देते। लेकिन यहाँ पर गोविंद की इतनी कृपा है कि जिसके पास कुछ नहीं है, सुदामा जैसे महात्मा भी कुछ धन आदि न होने के बाद भी शांति का अनुभव करते हैं, क्योंकि शांति बिकाऊ नहीं है। यहाँ पर एक लंगोटी वाला बाबा, जिसके पास शरीर ढकने के लिए लंगोट के अलावा कुछ नहीं है, वो भी कमंड लेकर मुस्कुराता हुआ जा रहा है, उसके जीवन में भी शांति है। तो शांति बिकाऊ नहीं है, प्रेम से कहिए शायद। तो ये 12 पुत्र उत्पन्न हुए हैं।